तो जैसे कि आपने बताया कि जैसे हम प्रचार नहीं करते तो हम हिंसा करते हैं प्रभु जी, तो जैसे कि अभी हम तो बहुत सारे लोग नए नए हैं, तो हम कैसे अपने वर्क प्लेस में प्रचार करेंगे, कुछ दीजिए प्रभु जी हमें कि जैसे हम लोगों से मिलते हैं तो उनको क्या बताएं, कैसे बोले कि प्रभु जी, जैसे कि हम लोग ना प्रभु जी थोड़ा गाइड करिए प्रभु जी कि हम भी प्रचार कर सकें। देखो जो नए लोग हैं, आप तो खैर नए नहीं हो, जो नए भक्त हैं वो कैसे प्रचार कर सकते हैं? भगवत गीता में भगवान क्या कर रहे हैं आप देखो, भगवत गीता सेकंड चैप्टर भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान सबसे पहले संबंध स्थापित कर रहे हैं। संबंध स्थापित होगा तीन चीज़ों से, संबंध स्थापित होगा। पहली बात यह है कि हम कौन हैं, तो भगवान कृष्ण ने सेकंड चैप्टर में बात शुरू कर दी आत्मा के, देखो भाई आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो। जब आत्मा की बात आएगी तो फिर आत्मा की स्रोत की बात भी आएगी, तो फिर परमात्मा या भगवान की बात आ गई, तो फिर भगवान कौन है उसकी बात चलेगी, और फिर यह बात चलेगी कि आत्मा और भगवान में क्या संबंध है। तो ये तीन तत्वों को संबंध तत्व बोलते हैं, संबंध ज्ञान बोलते हैं। जब भी कभी शुरुआत हो, जब भी कभी किसी को प्रचार करना हो, हमेशा इस बात से शुरू करनी चाहिए कि हम शरीर नहीं आत्मा है, हमेशा इससे शुरुआत करो। और हम और भगवान कौन है, फिर भगवान के बारे में बात करो कि भगवान आत्मा के स्रोत हैं, भगवान सबके स्वामी हैं, भगवान सबके पिता हैं। जैसे पुत्र का कर्तव्य है पिता की सेवा करना, ऐसे आत्मा या जीव का कर्तव्य है भगवान या परमात्मा की सेवा करना। और ये जो सेवा करने की विधि है यही संबंध है। तो ये तीन विषयों को हर भक्त जो है अपने हिसाब से, जैसा उसको अनुभव है, जितना उसने सुना पढ़ा है, उसके अनुसार वो उसको प्रस्तुत कर सकता है। फिर अगर सामने वाले ने काउंटर क्वेश्चन कर दिया, अब वो काउंटर क्वेश्चन कर दिया तो अब आपको या तो उत्तर आता है तो आप दे ही दोगे, उत्तर नहीं आता है तो उसको कोई हेर फेर मत डालो, उसको बोलो भी आपका प्रश्न अच्छा है, मैं इसका उत्तर ढूंढ के आपको मैं बताऊंगा। फिर आप उसका उत्तर ढूंढो। उत्तर ढूंढने का मतलब नए भक्त के लिए क्या है कि वो सीनियर भक्तों से जाके पूछेगा कि जी इसका क्या मतलब है, ये इस प्रश्न का क्या उत्तर है। आपको उत्तर मिल जाएगा, आप भी काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो और ज़्यादा उसको समझ सकते हो, फिर आप जाके उसको उत्तर दे दो। फिर वो और काउंटर क्वेश्चन उसने किया जो आपको उसका उत्तर नहीं पता, फिर बोलो जी मैं पूछ के बताऊंगा, वापस आओ पूछ के बता दो। ऐसे ही आपको क्वेश्चन के आंसर भी मिलते रहेंगे और सामने वाले को ये भी लगेगा कि हाँ सिंसियरली जो है ये बात कर रहा है, ऐसे मतलब हवा में बात नहीं कर रहा, तो उसके मन में आपका सम्मान भी बढ़ेगा, प्रचार भी हो गया। नए भक्त के लिए ये मतलब बेस्ट तरीका है। हम लोगों ने तो ऐसे ही शुरू किया था, आज भी हम ऐसे ही कर रहे हैं। किसी भी नई जगह जाते हैं, नए व्यक्ति से मिलते हैं, तो हमेशा भगवद गीता के दूसरे अध्याय से बात शुरू करते हैं। एक्चुअली में भगवद गीता के पहले अध्याय से बात करते हैं कि हम दुखी हैं, आप दुखी हो। अर्जुन दुखी था, जीवन में संघर्ष चल रहा था, महाभारत चल रही थी, तो लोगों को अर्जुन बनाओ पहले कि भाई तू अर्जुन है, दुख में है तू, तेरे को पता नहीं चल रहा अभी, लोगों को ये बताओ, फिर आत्मा परमात्मा की बात लेके आओ, फिर आगे धीरे धीरे अपने आप भगवान भी बुद्धि देते हैं, भगवान भी इंटेलिजेंस देंगे उसको कैसे प्रीच करना है। और धीरे 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 आप बार बार करते रहोगे करते रहोगे, 2-4-5 साल में फिर मतलब प्रश्न वही आते हैं, नए बंदे से बात करो वही घिसे पिटे प्रश्न होते हैं, आप उत्तर दोगे, लोग बोलेंगे भाई कितना एक्सपर्ट आदमी है। हाँ है हम एक्सपर्ट, दिन रात इसी काम में लगे हुए हम, इसलिए हम एक्सपर्ट हैं इसके अंदर, बात खत्म हो गई। तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आप कब नए भक्त से एक्सपर्ट डिवोटी बन जाओगे। तरीका यही है।